Stop. मैं देता हूं ना, ये लीजिए सृष्टि जी. गुड, वेरी गुड. कीप इट अप. थैंक यू. यू कीप गोइंग. सृष्टि, मेरी घरवाली, आई मीन मेरी साली, वो समीर से पैचअप कर लेना. करण जीजू प्लीज, ये मुझसे नहीं हो पाए. अरे भाई, आई मीन बहन, सिर्फ आज के लिए कर ले प्लीज. ठीक है, सोचूंगी, कोशिश करूंगी. थैंक यू. मैं आता हूँ. अरे लाइन में मैं पहले थी ना, तो तुमने मेरी प्लेट इसको क्यों दे दी? क्योंकि मैं भूल गया था कि तुम अब घर की मालकिन हो, तो पहले मुझे प्लेट तुम्हें देनी चाहिए थी. चलो लाओ दूसरी प्लेट. नहीं नहीं, एक्चुअली हम दोनों एक ही प्लेट से पूजा कर सकते हैं. उसकी जरूरत नहीं है, सब अपनी अपनी प्लेट से पूजा करेंगे. ये लीजिए. थैंक यू. सब अपनी अपनी प्लेट से पूजा करेंगे. ये आपके लिए. इंप्रेसिव, अच्छा प्रोडक्ट बना के दिया है शंभू ने. ऐसा प्रोडक्ट जो किसी को दिखेगा नहीं, पर जब ब्लास्ट होगा तब सबको सिर्फ सुनाई देगा. रीता से पीछा छुड़ाने का ट्रम्प कार्ड अच्छा दिया है तूने मुझे. आज लोहड़ी की रात प्रीता मेरी लाइफ से आउट, प्रीता खत्म, और प्रीता के साथ साथ उसकी कहानी भी खत्म. दी एंड. आप टेंशन मत लीजिए, काम खत्म होते ही मैं घर आ जाऊंगा, है ना? माँ आपसे मैं बाद में बात करूंगा. हाँ, सुनो सुनो. हाँ सर. ये नारियल यहाँ क्या कर रहा है? अरे तुम लोगों को एक नारियल बनाने के लिए दिया था, जुनून में आके दो नारियल बना लिया क्या? एक तो मैं दे के आया, ये दूसरा कैसे? अरे बॉस, ये तो मेरा नारियल है, पूजा के लिए खरीदा था, घर के लिए, यही छूट गया, दीजिए. अरे बॉस, इसमें तो लाल निशान है. हाँ तो ये तो बॉम्ब वाला नारियल है बॉस. अरे बॉस, आपने मेरा वाला नारियल उसको दे दिया. अरे उस नारियल में तो कुछ है ही नहीं, वो नारियल तो खाली है. अरे तुम लोग तो एक काम ढंग से नहीं होता. एक तो नारियल लेट से पहुंचाया, और वो भी गलत. तुम लोगों, अरे सर, अरे सर, इसमें बम है. हाँ मुझे पता है, ये मैं नहीं फेंक सकता. हाँ. इसे तो उसे फेंकना है. हाँ बॉस. कैसे भी करके पृथ्वी तक ये नारियल पहुंचाना पड़ेगा. ये नारियल लोढ़ी के लिए देना है. लोड़ी की आग में अब प्रीता फेंकेगी ये नारियल बॉम्ब, फिर होगा ब्लास्ट और प्रीता खत्म. मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, जल्दी बता कॉल क्यों किया? क्लाइमेक्स शुरू होने वाला है, मतलब कि ब्लास्ट होने वाला है. नहीं होगा बॉस. पुट. असल में जो नारियल गया है वो गलत नारियल गया है बॉस, और यहाँ पे जो नारियल है वो असली है. वो हड़बड़ी में था तो गलती से चला गया. एक मामूली सा काम दिया था, वो भी तुझसे ठीक से नहीं हुआ. मैंने तुझसे कहा था कि मैं तुझे तेरी मुंह मांगी रकम दूंगा, लेकिन अब एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, तुझे समझ में आया? सॉरी बॉस. बॉस 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 मत कर. अब ये पता, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन अब क्या हो सकता है? हो सकता है बॉस. बॉस कैसे भी करके पूजा में थोड़ा लेट करिए, मैं बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ आपके पास. शंभू, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है. 10 मिनट मतलब 10 मिनट, समझ में आया? हाँ बॉस. बॉस इसमें रख लीजिए. अरे बॉस,
संभल के जाना, आपके बैग में जो बॉम्ब है ना, कहीं ये ब्लास्ट हो गया ना तो आपका यही पे हो जाएगा। राम नाम सत्य है। शुभ शुभ बोल। हाँ हाँ बस बस बस। हाँ चाहिए बस। पंडित जी, जी पूजा शुरू करें? नहीं नहीं, अभी आप लोग पूजा शुरू नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि अभी शुभ मुहूर्त आरंभ होने में आधा घंटा बाकी है, इसलिए आधे घंटे के बाद ही आप लोग पूजा शुरू करना है। ठीक है? ठीक। यजमान, मुहूर्त आरंभ हो चुका है, आप हमें यहाँ क्यों ले आए? पंडित जी आपको ना गलत फहमी हो रही है। क्या? मुहूर्त अभी का नहीं है, मुहूर्त आधे घंटे बाद का है। आधे घंटे बाद? अरे यजमान, पंडित मैं हूँ और हमारे पंचांग के आधार पर मुहूर्त आरंभ हो चुका है, पूजा शुरू करानी चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूँ ना पंडित जी, मुहूर्त आधे घंटे बात का है। कोई बात नहीं पंडित जी, आधे घंटे की बात है ना। देखिए, लोहड़ी का त्योहार है, मौका भी है, दस्तूर भी है, तो क्यों ना हम सब एक गेम खेलें। आधा घंटा खुशी खुशी बीत जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। हाँ बेस्ट आइडिया है। हाँ चलो खेलते हैं, मजा आएगा। हाँ चलो, अब दो टीम बना लेते हैं और गेम स्टार्ट करते हैं। आ जाओ। पंडित जी ने पूजा रोक दिया, तुम मुस्कुरा रहे हो, गेम खेलने का आईडी दे रही हो, क्या हो गया तुम्हें? क्योंकि प्रीता के पास जो नारियल देख रही हो ना, देखो वो नारियल नकली है। क्या? उस खदे शंभू ने नारियल बम की जगह सिर्फ नारियल भेज दिया। जैसे वो नारियल बम मेरे पास आएगा ना, मैं प्रीता को ब्लास्ट कर दूंगा। नारियल बम नहीं आया, इसी वजह से पूजा को डिले करवाई है। ओके चलो चलो गाइस, एक काम करते हैं, दो टीम बना लेते हैं, एक पृथ्वी की और एक प्रीता की। हाँ गेम स्टार्ट करते हैं, चलो। अरे समीर, सृष्टि इधर आओ ना, देखो पृथ्वी अकेला पड़ गया। अरे नहीं 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 दादू, वो पृथ्वी की टीम में ना आप हो, करीना बुआ है और ये शर्लिन, ये भी तो पृथ्वी की साइड में है ना। हाँ मैं नहीं आऊंगा, हम नहीं आएंगे। नहीं नहीं अब मैं भी नहीं आऊंगी। अरे तीन लोग से टीम थोड़ी ना बनती है, इधर आओ। अरे दादू नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा ना। मैं नहीं आ रही हूँ, आप इसको ले लो ना, नताशा को, जाना वहाँ पे। क्या कर रही है? नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, मैं इधर ही रहूंगी। नताशा, ओह गॉड, ओके फाइन। फिर भी हम कम हैं, एक और आए। वैसे टीम्स बनाने की जरूरत ही क्या है, हम लोग सब अपने अपने लिए खेलते हैं ना। आई मीन कोई टीम नहीं बनाते, इंडिविजुअली खेलते हैं। ये भी सही है, लेकिन गेम क्या है? अरे ट्रुथ एंड डेयर। नाइस। हाँ ठीक है, आप जैसे बोल रहे वैसे कर दूंगी। लेट्स स्टार्ट लोहरी का धड़का विद पंजाबी तड़का। अच्छा वैसे ये गेम है ट्रुथ और डेयर का, और इस गेम के अपने ही रूल्स होते हैं, लेकिन क्योंकि हम पंजाबी हैं, लोहरी का फंक्शन है, वखरा स्टाइल और वखरा स्वैग होता है, इसलिए हमने अपने ही रूल्स बना लिए हैं, जो मुझे अभी पानी दादी ने कहा। लेकिन रूल्स सुनाने से पहले, आप सबको याद है ना प्रीता दी ने क्या कहा, कि हम ये गेम कोई टीम्स में नहीं बट इंडिविजुअली खेल रहे हैं। ओके ठीक है, तो जिसकी भी टर्न या बारी आएगी वो यहाँ आके स्वयं साक्षात खड़ा हो जाएगा और वो जाके एक गन्ना उठा लेगा। गन्ना उठाने के बाद वो उस इंसान का नाम बोलेगा जिसके साथ उसे ये गेम खेलना है।
जैसे मुझे गेम खेलना है जानकी आंटी के साथ। जानकी आंटी आप यहां पर आ जाइए प्लीज। अच्छा एक बार वो इंसान यहां पर आ जाए तो मैं जो भी यहां पर होगा जिसका टर्न होगा वो डिसाइड करेगा कि वो इस इंसान को ट्रूथ देगा या डेयर। तो जानकी आंटी आप रेडी हैं? कम ऑन जानकी आंटी। ठीक है जो देना है दे दे, मैं तो दोनों में बाजी मार लूंगी। ठीक है तो मैं आपको देती हूँ ट्रूथ, लेकिन रूल्स ये है कि अगर जानकी आंटी मुझे आपका जवाब सही नहीं लगा या झूठा लगा तो मैं इस गन्ने को तोड़कर साइड में फेंक दूंगी, लेकिन अगर मुझे आपका जवाब सच लगा, सही लगा, ऑनेस्ट लगा तो मैं ये गन्ना तोड़ के लोरी की अग्नि में डाल दूंगी। और अगर मैं कुछ ना बोलू तो? अगर कुछ ना बोलू तो आप एक काम करना, ये जो तिल लेना ये अग्नि में डाल देना आप, लेकिन इसका मतलब ये होगा कि आप में सच बोलने की ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है और आपको ये गेम नहीं खेलना है। समझ में आ गई बात? हाँ हाँ समझ गई तेरे सारे मतलब। अब तूने कायदे कानून बना ही दिए हैं तो अब चल शुरू हो जा मुझसे ही। अरे बहुत बढ़िया, इससे अच्छी बात क्या होगी, दोनों खिलाड़ी नंबर वन। टन 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 टन। तो ये गेम शुरू करते हैं और मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, उसका सच सच जवाब देना। ओके जानकी जी सच सच बोलिएगा। बहन जी मैं तो कभी झूठ बोलती ही नहीं। चल पूछ। ठीक है तो जानकी आंटी आप मुझे ये बताइए कि आप किसे सबसे ज्यादा प्यार करती हैं, मुझे या प्रीता दी को? आए कैसा बावला सा सवाल है। तुम दोनों तो मेरी दो आंखें हो, मैं तुम दोनों से एक जैसा प्यार करती हूँ, कोई दूसरा सवाल है तो पूछ। ओ हेलो जानकी आंटी, फ्लिप द क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं है हमारे पास। नहीं है, नहीं नहीं है, जो पूछा जाए उसका सच सच जवाब देना है। दो ना तू ना बड़ी जिद्दी है, कुछ भी पूछ लेती है। अच्छा ठीक है तूने अब पूछ ही लिया है तो मैं सच सच बता देती हूँ, सुन ले। मैं ना सबसे ज्यादा प्यार सृष्टि की बहन प्रीता से करती हूँ। अब क्या करेगी? अब क्या करूंगी, मैं कुछ नहीं करूंगी। आपने तो बोल दिया ना कि आप दी से प्यार करते हो, लेकिन मुझे आपकी बात में सच्चाई दिखी इसलिए अब मैं तोड़ दूंगी। मैंने तोड़ देगी? अरे आपको नहीं जानकी आंटी, गन्ना गन्ना तोड़ दूंगी गन्ना। तुमने मुझे इतना टेंशन क्यों दिया? अरे टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है जो लोग मुझसे ज्यादा दी से प्यार करते हैं ना वो लोग मेरे फेवरेट होते हैं, तो आप मेरी फेवरेट हैं। समीर अब तू जा, तेरी बारी है। मेरी बारी? चल कम ऑन जमे। So I want to play with Srishti. मुझे पता था ये इसी का नाम लेगा। Come on, Srishti. So truth for you. क्या तुम किसी ऐसे इंसान को माफ करोगे जिसे अपनी गलती का एहसास हो, अपनी जिंदगी में तुम्हारे ना होने का एहसास हो? क्या उसे माफ करोगी? मुझे पता है ये सवाल तुम अपने लिए पूछ रहे हो। हाँ सर सबके सामने आ ही जाएगा। I'm dead sure ये अपने बारे में ही पूछ रहा है,
ये समीर भी ना अब तक नहीं सुधरा। ये दोनों क्या टाइम पास कर रहे हैं, बोर कर रहे हैं, इन दोनों का कभी समझ में नहीं आता। तुम तो बहुत बड़ी कायर हो यार, सच बोला नहीं चाहते हो, सच बोलना नहीं चाहती हो क्या? मुझे पता है कि तुम्हें पता है कि मुझे पता करना है कि तुम मुझे कभी माफ कर पाओगी या नहीं। मुझे पता है तुम्हें पता करना है मैंने तुम्हें माफ किया कि नहीं। नहीं, मैं उस इंसान को उसकी गलती के लिए कभी माफ नहीं करूंगी, क्योंकि मैं दूसरी लड़कियों की तरह नहीं हूं जो आज कुछ बोलती है और कल कुछ और। अगर मैंने कोई चीज ठान ली है ना तो मैं वो करके रहती हूं। ये यहाँ क्यों फेंका तुमने? मैंने तो सच बोला ना, तुम्हें मेरे सच पे भरोसा नहीं है? बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, तुम झूठ बोल रही हो। मैं हाँ मेरे शेर, कम ऑन ज़ेमे, इन दोनों प्रेम पंछियों का प्रेम सबके सामने चल रहा, वो भी खुल्लम खुल्ला, और करीना वो है कि कुछ बोल ही नहीं रहे, चुपचाप देख रहे। ये इतनी आसानी से इस लड़की का पीछा नहीं छोड़ने वाला, समीर से मुझे बात करनी होगी। क्या बात है, बहुत अच्छा किया, वेरी गुड। हाँ भाई देखो ना कैसे एटीट्यूड दे रही है फालतू का, ये कुछ तरीका है त्योहार के दिन एटीट्यूड देने का? अंडर अंडर कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये मेरे बारे में क्या सोचता है, क्योंकि फर्क पड़ने वाला टाइम चला गया। चलो नताशा। कहाँ चलो? अरे यहाँ पर ना, तुम्हें डेर दूंगी। ओ हाँ हाँ ओके। तुम्हें काम करूँ, तुम सबके लिए ना एक अच्छा सा डांस करो, सबके चेहरे पे खुशी दिखनी चाहिए। ओ तो ये चाहती है कि मैं सबके सामने करण के करीब जाऊँ और उसे इम्प्रेस करूँ। मुझे पता है कि तुम्हें पता है कि मेरा प्लान क्या है, तुम्हें करना क्या है। अरे मेरे साथ रह के थोड़ी स्मार्ट तो हो ही गई हो तुम। लेकिन एक कंडीशन है, मैं अकेले नहीं डांस करना चाहती, आई नीड अ पार्टनर। करण, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे? कम ऑन करण। नहीं नहीं मैं नहीं। हाँ हाँ करण क्यों नहीं डांस करेगा, चल पुत्र शुरू हो जा। जानकी आंटी, ये नताशा तो करण जीजू के गले ही पड़ गई है, इसका कुछ करना पड़ेगा। ये मुंह तोड़ेगी तो बुरी बन जाएगी, तो फिर इस चिपकली का क्या करे? वही जो ऐसे में करते हैं, टन 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 टारा। चलो खींचो, नौ हो या बारह, चल पत्थर।
आप समीर मेरा क्या दिख रहा। सृष्टि और जानकी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। जान बूझ कर सबको लेकर आए करण और नताशा के बीच में डांस करने के लिए। मजाक कर रहा था मैं तो, गिरने वाला थोड़ी ना था। तो चेक कर रहा था कि तुम मुझे गिरने से बचाओगी या नहीं, और तुम उस टेस्ट में पास हो गए।